हरियाणा की आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने आज विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया। पंचकुला के दरवाला ब्लॉक के पास जलोली टोल प्लाजा के पास पुलिस ने आंगनवाड़ी वर्कर्स को रोक लिया। इसके बाद कई घंटों आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स यूनियन ने अपनी मांग को लेकर जाम लगाया, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की और खींचतानी भी हुई। पुलिसकर्मियों द्वारा जबरन प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने का प्रयास किया गया और कई प्रदर्शनकारी इसमें जख्मी भी हो गए। बता दें कि हरियाणा में 8 दिसंबर 2021 से आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की हड़ताल जारी है। 85 दिन से हड़ताल व आंदोलन जारी है। हरियाणा सरकार मांगों का समाधान नहीं कर रही, बल्कि वर्कर्स और हेल्पर्स की सेवाएं समाप्त कर रही है। मैं आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन और बहुत मुश्किल एलनावास से निकले तभी पुलिस ने हमें चारों गलियों से गुजर के हम पर्सनल एक-एक गाड़ी एक-एक दो दो सदस्य हम बैठ के सरदूलगढ़ तक पहुंचे। वहां हमने गाड़ियां मंगाई और उससे हम यहां तक पहुंचे, लेकिन यहां यमुनिका पार्क तक जो हमारे नेता है उनका हमें अभी तक पता नहीं है। पता नहीं वो कहां रुके हुए हैं कहां नहीं, अभी उनका कोई पता नहीं है। फोन उठा नहीं रहे क्योंकि वहां शोर शराबा है। अच्छा मैडम जी, आप मुख्य मांगे बता देंगे क्या है? जी बिल्कुल, जो हमारी जी नई कोई मांग नहीं है। 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में सितंबर 2018 में 1500 वर्कर के और 750 हेल्पर के बढ़ाए थे और कुशल और अर्ध कुशल का हमें दर्जा दिया था। उनके लिए हमने बार बार उनको नोटिस भेजा भी, जो आपने घोषणा की थी वो लागू की जाए, नहीं मानी। फिर भी हमने ये हड़ताल का भी नोटिस भेजा कि अगर आप नहीं मान रहे हो, 3 साल बीत गए हैं, 4 साल सॉरी, तो आप ये जो मांगे मानी थी घोषणा की थी वो नहीं मान रहे हो तो हम हड़ताल करने को मजबूर होंगे। फिर भी इन्होंने आनाकानी की। 29 दिसंबर को उन्होंने बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने ये हमें आश्वासन दे रहे हैं कि आप हड़ताल को तोड़ दो और उसके बाद हम आश्वासन दे रहे कि मांगे मान लेंगे। और झूठा आश्वासन तो आश्वासन। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।